साल 1988 मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने अपने खिलाफ भड़के विद्रोह से उभरने के लिए भारत से मदद मांगी, जिसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया और लगभग 400 सैनिक मालदीव की राजधानी माले में भेजे, जहां विद्रोह पर काबू पाकर राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित निकाला गया। भारत और मालदीव के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने मालदीव को काफी जल्दी सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। अच्छे संबंधों के दौरान भारत ने साल 2021 में वहां $2 अरब की सहायता देने की पेशकश की थी, जिसे मालदीव ने स्वीकार नहीं किया था। बता दें, भारत ने मालदीव को बीते 10 सालों में 2 हेलीकॉप्टर और 1 छोटा विमान दिया है। साल 2021 में मालदीव के डिफेंस ऑफिसर ने खुलासा किया था कि भारत के 75 सैन्य अधिकारी मालदीव में रहते हैं और भारतीय एयरक्राफ्ट का संचालन और रखरखाव करते हैं। लेकिन हाल ही में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भारत के लिए अहम और नई चुनौती माने जा रहे हैं। चुनाव में 54% से ज्यादा वोट पाकर मोहम्मद मोइजू ने मालदीव की सत्ता हासिल कर ली, जो एक चीनी समर्थक है, और मोइजू का चुनावी नारा इंडिया आउट था। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कई बार भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की मांग भी की थी। अब जब चीन समर्थक मोइजू चुनाव जीत गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वहां से निकालने का भी फैसला करेंगे, जिससे मालदीव और भारत के संबंधों पर गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। इसके साथ ही हिंद महासागर से भी भारत की नजर हटेगी, जहाँ चीन नजरे गड़ाए बैठा है। मालदीव चीन के बड़े कर्ज के तले दबा हुआ है। मालदीव की राजधानी माले में बना हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाला पुल भी चीन ने बनाया है। शायद एक कारण ये भी है कि मालदीव चीन के बड़े कर्जे के तले दबा हुआ है। मालदीव में चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया गया। माना यह भी जाता है कि चीन ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $1 बिलियन का कर्ज देकर निवेश किया हुआ है। बता दें, साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। साल दर साल चीन के मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। सुरक्षा जानकारों की माने तो ये तनाव हिंद महासागर में भी महसूस हो रहा है, क्योंकि दोनों ही देश इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही चीनी गतिविधियों पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था, पिछले 20 से 25 सालों पर नजरें डाले तो हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी और गतिविधि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी नौसेना होगी, तो वह कहीं ना कहीं अपनी तैनाती के संदर्भ में भी दिखाई देगी। हालांकि मौजूदा समय में मालदीव के रणनीतिकार दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि मालदीव भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत के लिए मालदीव बहुत अहम है, क्योंकि रणनीतिक लिहाज से हिंद महासागर के एक बड़े क्षेत्र पर नजर रखने का जरिया है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में स्थिति एक प्रायद्वीप देश की बनी हुई है। इसकी लोकेशन की वजह से ही इतना अहम है। इस देश दुनिया के सबसे व्यस्त पूर्व पश्चिम शिपिंग लेन पर स्थित है, और इसी कारण व्यापारिक महत्व भी ज्यादा है। वही आपको बता दें, हाल ही में मालदीव की सत्ता हासिल करने वाले मोइजू ने चीन की वित्त शोषित परियोजनाओं के लिए पूर्व राष्ट्रपति यामीन की भी जमकर सराहना की है। अब देखने लायक ये होगा कि सत्ता में आने के बाद मोइजू किस तरह के कूटनीतिक फैसले लेते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।